हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका स्टाइल। और मैं हूँ दीपिका। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज की जो रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है हेल्दी बनाना पैनकेक। तो यहाँ पे मैंने ये बनाना पैनकेक बनाया है जो बहुत हेल्दी है, ये देखिए। तो इसके ऊपर जो मैंने ऐड किया है वो थोड़ा सा हनी ऐड किया है, आपको दिख रहा होगा। बहुत हेल्दी है, आप ज़रूर ट्राई करें, घर पे बच्चों को भी खिलाएं और आप भी खाएं, और आप ये बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं, उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए हम रेसिपी फटाफट से देख लेते हैं और बनाना शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में ही बेल आइकन का बटन है तो उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बनाना पैनकेक के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक कटोरी गेहूं का आटा। आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं ये हेल्दी बनाना पैनकेक बता रही हूँ जो बहुत हेल्दी होता है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मैं शुगर की जगह कंडेंस मिल्क यूज़ कर रही हूँ, आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक केला लिया है, ये देखिए, ये पका हुआ केला है। जनरली हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, मतलब बच्चे भी नहीं खाते हैं पका हुआ केला, बड़े भी नहीं खाते हैं, हम इनको अलग कर देते हैं। तो ये मैंने वो केला यूज़ किया है, आप अच्छा वाला केला भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश केला भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप दूध, 3 से 4 इलायची है तो उसको मैंने क्रश कर लिया है, 1 चम्मच घी है, और यहाँ पे है 1/2 चम्मच से भी कम जरा सा नमक लेना है आपको टेस्ट के लिए, अच्छा टेस्ट आता है इससे। और यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर। तो ये सारे इंग्रेडिएंट यूज़ करके हम आज एक हेल्दी बनाना पैनकेक बताएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले केले के छिलके को हमें निकाल देना है और इसको ऐसे छोटे छोटे पीस में कट कर लेना है। आप इसको दूध के साथ मिक्सर जार में डाल के ग्राइंड भी कर सकते हैं, बट हम इसको ग्राइंड नहीं करेंगे। यहाँ पे एक बाउल लिया है मैंने, उसमें इनको डाल देंगे बनाना को, और इसको हम अच्छे से एक चम्मच की मदद से इसको हम मैश कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको केले को अच्छे से मैश कर लिया है 1 चम्मच की मदद से। इसको हमने पूरा मैश नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा सा इसको मोटा रखा है, ये देखिए, क्योंकि जब हम ये पैनकेक बनाएंगे तो केले का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा। तो अब हम इसमें ये गेहूं का आटा ऐड कर देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें अभी दूध ऐड नहीं करेंगे, पहले हम इसको केले के साथ ही मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं आपको कितना मीठा रखना है। अगर आपको ये मीठा नहीं रखना है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और शुगर फ्री भी बना सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें कंडेंस मिल्क की जगह शुगर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे इलायची और हम ये घी भी ऐड कर देंगे। ये देखिए, हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, हमारा बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा है, हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा करके आप मिल्क ऐड करना, वरना ये पतला बन जाएगा पेस्ट। हम इसमें थोड़ा सा और ऐड करते हैं दूध। आप इसमें वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ एसेंस, आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा उसमें। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे और ये जो हमने नमक लिया था उसको ऐड करेंगे और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे।
ये देखिए हमें बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा है अभी भी, तो हम इसमें और ऐड कर सकते हैं ये मिल्क। तो 1 कप हमने पूरा मिल्क यूज़ कर लिया है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए बैटर हमारा तैयार हो गया है, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे अलग से, इसको ढक के रख देंगे हम। 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए ये रेडी है हमारा ये पेस्ट, ये देखिए। और इसको अच्छे से एक बार अच्छे से मिला लीजिएगा आप। तो अब हमारा ये बैटर तैयार है पैनकेक बनाने के लिए, तो चलिए हम बनाते हैं पैनकेक। तो ये देखिए गैस पे हमने एक नॉनस्टिक तवे को चढ़ा दिया है और इसको हम घी लगा के थोड़ा सा ग्रीस कर देंगे। आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं और बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम को आपको लो मीडियम रखना है, हाई नहीं करना है। ये देखिए अब हम इस बैटर को डालेंगे इसमें, इसको मीडियम फ्लेम पे ही हमें पकने देना है। एक साइड से ये अच्छे से पक जाएगा तब हम दूसरी साइड से इसको सेकेंगे। ये देखिए नीचे से ये आई थिंक अच्छे से हो चुका है, अब हम इसको दूसरी साइड से पलट देंगे। आपको इसको ऐसे प्रेस नहीं करना है वरना ये अच्छा स्पंजी नहीं बनेगा। इसको सिर्फ पलट के और ऐसे ही पकने दीजिएगा। 1-2 मिनट तक आप इसको अच्छे से सेकिएगा, उसके बाद आप इसको प्लेट में निकाल लीजिएगा। ये देखिए दोनों साइड से ये अच्छे से सिक चुका है, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। फिर से हम इसमें थोड़ा सा घी लगाएंगे, ग्रीस करेंगे तवे को और ये बैटर डालेंगे। आपको जितना बड़ा रखना है जितना छोटा बनाना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसको। इसको भी अब हम 1-2 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे, मीडियम फ्लेम पे ही आप पकाइएगा। ये देखिए दूसरा पैनकेक भी एक साइड से अच्छे से हो चुका है, अब हम इसको पलट देंगे और इसको 1-2 मिनट तक दूसरी साइड से भी पकाएंगे। तो ये देखिए दूसरा पैनकेक भी अच्छे से नीचे से हो गया है, बन गया है। तो इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए सारे पैनकेक हमने बना के रेडी कर लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। जितना मैंने बैटर लिया था उसमें से ये 5 पैनकेक बन के तैयार हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा और हेल्दी बनाने के लिए, मीठा बनाने के लिए हम इस पर हनी डालेंगे, हनी ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है बिल्कुल, आप यूज़ करना चाहते तो यूज़ करिए, अदरवाइज इसको अलग कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट पैनकेक बनकर रेडी हैं, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही यम्मी लग रहा है। तो आप ये हेल्दी बनाना पैनकेक की रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करें और आप भी खाएं और बच्चों को ज़रूर खिलाएं। तो अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और पास में ही बेल आइकन का बटन है तो उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ या कोई अदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।